नमस्कार, मैं बॉबी छा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पानी ने धारण किया विकराल रूप, ओडिशा के तटीय इलाके को खाली कराया गया। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात तूफान पानी ने अब भयंकर रूप धारण कर लिया है। ऐसी संभावना है कि शुक्रवार दोपहर को पूरी जिले के चंद्रभागा से 10 किलोमीटर उत्तर में टकराएगी, जिससे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कम से कम 19 जिले प्रभावित होंगे। तूफान के तट से टकराने से पहले 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की आशंका जताई गई है, जिससे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कम से कम 19 जिले प्रभावित होंगे। फिलहाल ओडिशा के तटीय इलाकों से लोगों को हटाया गया है। ओडिशा प्रशासन ने दावा किया है कि वो इस तूफान का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो वही लोगों ने उनसे हिदायत भी दी है कि आज वो बिना जरूरत बाहर न निकले। राज्य के 17 जिलों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जबकि 11 जिलों में आचार संहिता को हटा दिया गया है। फिलहाल ओडिशा के तटीय इलाकों में लोगों को हटाया गया है। ओडिशा प्रशासन ने दावा किया है कि वो इस तूफान का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, तो वही लोगों को उन्होंने हिदायत दी। ओडिशा सरकार ने तूफान से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए 900 आश्रमों की व्यवस्था की है और राज्य में आपातकालीन भोजन वितरण के लिए 2 हेलीकॉप्टर तैनाती का अनुरोध किया है। भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के साथ साथ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की भी कई टीमें स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं 17 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। मोदी पर बयान को लेकर चुनाव आयोग का राहुल गांधी को नोटिस। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी को लेकर दिए एक बयान को लेकर नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी आदिवासियों को गोली मारी जा सके ऐसा कानून ला रहे हैं। आयोग ने राहुल गांधी के बयान को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए 48 घंटे के भीतर उनसे जवाब देने को कहा है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के शहडोल में 23 अप्रैल को जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, नरेंद्र मोदी ने एक नया कानून बनाया है जिसमें एक लाइन है कि आदिवासियों को गोली मारी जा सकती है। इस कानून में आदिवासियों से जंगल, जमीन, जल लेकर उनको गोली तक मारी जा सकती है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।